मॉर्निंग फ्रेंड, मेरे न्यू ब्लॉग में आपका स्वागत है। जय श्री श्याम। सुबह के बज रहे हैं 5, आप लोगों को दिख रहा होगा सर। तो मैं उठ चुका हूँ और उठ के मैं थोड़ा छत पे ही वॉकिंग कर रहा हूँ क्योंकि हल्की हल्की बारिश हो रही है, तो इसलिए बाहर नहीं चलेंगे। तो आपसे मेरा कमिटमेंट था कि सवेरे रोज़ उठना है मॉर्निंग में, और मैं उठ चुका हूँ। ये फ्रेंड कितना बढ़िया मौसम हो रहा है, हल्की हल्की बारिश हो रही है, तो आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा फ्रेंड। तो चलिए यहीं पे टहलते हैं, वॉक करते हैं, वॉक करते करते आपसे बात करते हैं। आई होप आपको कल का ब्लॉग मेरा अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, इन कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा। आज का ब्लॉग भी इंटरेस्टिंग होने वाला है फ्रेंड। तो वॉकिंग करते हैं, वॉकिंग करते करते आपसे बात करते हैं। और आपने फादर्स डे पे फादर्स को विश किया है वो भी आप मेरे को बताइएगा। तो फ्रेंड मैं वॉकिंग कर चुका हूँ, उसके बाद मैं भी साइकिलिंग कर रहा हूँ। देखिए फ्रेंड, मैं साइकिलिंग करता हुआ, तो साइकिलिंग करते हैं, साइकिलिंग करते करते आपसे बातें करते हैं। बड़ा आनंद आता है फ्रेंड, सवेरे उठ के बहुत अच्छा लगता है। एक तो मौसम भी बहुत बढ़िया हो रहा है, रात को बारिश हुई है, थोड़ी हल्की हल्की भी बारिश हो रही है, बंद हो गई है। क्योंकि पार्क में नहीं गया हूँ, क्योंकि पार्क में जाऊँगा तो गीला ओला होगा वहाँ पे सारा, देखिए। तो फ्रेंड मैं साइकिल चला के आ चुका हूँ, आप करते हैं योगा। ये देखिए कपालभाति है, तो कपालभाति हो गई। ये देखिए इसको बोलते हैं अनुलोम विलोम। और पॉइंट, ये पॉइंट दबाना होता है जिससे कि आंखों की रोशनी बढ़ती है फ्रेंड, तो आप लोग ये पॉइंट भी दबाएं। तो चलिए जब तक मैं योगा करता हूँ आप लोग भी योगा करिए, और जो मेरे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए। तो चलते योगा करते करते। तो फ्रेंड मैं योगा कर चुका हूँ, और अब 5-10 मिनट थोड़ा आराम करते, थक गया हूँ फ्रेंड। उसके बाद फिर नहाने चलते हैं, नहाने के बाद फिर पूजा करते, पूजा करने के बाद अब नाश्ता वास्ता बनाते हैं, फिर चलते हैं अपनी शॉप। तो चलिए मिलते हैं नहाने के बाद। तो फ्रेंड मैं नहा धो के आ चुका हूँ, आई होप आपने भी नहा धो लिया होगा। तो आप नहा धो लिया, पूजा भी पूजा करने जा रहा हूँ, पूजा करने के बाद नाश्ता बनाते हैं, नाश्ता बनाने के बाद चलते हैं अपनी नौकरी पे। और अगर ये ब्लॉग आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए चलते हैं आप नाश्ता बनाने। तो फ्रेंड मैं नाश्ता बना लाया हूँ, आई होप आप कहेंगे रो रो वही नाश्ता बनाता, लेकिन फ्रेंड अभी अकेला हूँ, कुछ सामान वामान लाया नहीं था, तो इसलिए ये देखिए ये ब्रेड जो मैंने इसे की है टोस्ट की तरीके, और ये है मेरी चाय, देखिए कैसी बनी है, और ये है चाय और ये है नमकीन। तो इन सबको खाते हैं, अगर आपको अच्छा लगे, अकेला आदमी हूँ फ्रेंड, क्या करूँ, जो बन जाता है वो बना लेता हूँ। और एक बात और फ्रेंड, अगर ये ब्लॉग आपको अच्छा लगता है, क्योंकि मैं जो भी है बिल्कुल रियल दिखाता हूँ, मैं कोई बनावटी नहीं है, और घर का ही दिखाने की कोशिश करता हूँ, ट्रैवलिंग करूँगा तो ट्रैवलिंग का दिखाऊँगा। तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब बनता है फ्रेंड, अगर अच्छा लगे तो एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और नहीं तो फ्रेंड कोई बात नहीं, एक सब्सक्राइब एक लाइक, थैंक यू फ्रेंड। चलिए हम नाश्ता करते हैं फिर मिलते हैं। तो फ्रेंड जय श्री श्याम, अब निकलते हैं अपने काम में। तो
चलते हैं, फिर वहां से आपको शॉप दिखाते हैं अपनी, आज अपनी क्या में जहाँ मैं काम करता हूँ ब्रांड। तो चलिए अपनी लाजवंती के साथ चलते हैं। ये खड़ी है मेरी लाजवंती धूप में बिचारी, ये लाजवंती है हमारी, इसमें चलते हैं। तो ब्रांड मेरी लाजवंती स्टार्ट हो गई है और मैं अपनी लाजवंती के साथ निकल चुका हूँ। और आज फ्रेंड धूप बहुत तेज़ है, कल बारिश थी, आज धूप बहुत तेज़ निकली हुई है, बहुत ज़्यादा धूप लग रही है। फ्रेंड सहारनपुर में जो है घर बहुत बड़े बड़े बने हुए हैं, बहुत बढ़िया बना रखे हैं यहाँ पे, मतलब लगता है कि कोई रहते हैं यहाँ पे लोग, मतलब रहते तो सभी जगह हैं लोग फ्रेंड, लेकिन सहारनपुर में इन लोगों को घर बनाने की बहुत वो रहती है, बहुत अच्छे अच्छे घर बनाते हैं, बहुत बड़े बड़े खुला हवादार, गर्मी नहीं लगती। तो फ्रेंड मैं अपनी शॉप आ चुका हूँ और ये चाबी है, अब खोलते हैं शॉप। तो फ्रेंड मैंने दुकान खोल ली है, ये देखिए मेरी दुकान है जहाँ मैं जॉब करता हूँ, बुक्स की है फ्रेंड, तो यहीं पे जॉब करता हूँ। तो अब दुकान में बैठते हैं और जो कुछ होगा वो मैं आपको थोड़ा थोड़ा दिखाता रहूँगा फ्रेंड। बहुत गर्मी हो रही फ्रेंड, झाड़ू पोछा करके और गंदगी बहुत, इतने दिन बाद दुकान खोली है, तो चलिए। तो फ्रेंड अब मैं दुकान से निकल चुका हूँ और दुकान में निकलते एक भैया मेरे दोस्त हैं, उनकी शॉप पे हैं, ये देखिए यहाँ पे ये सैलू भैया हैं, इनकी शॉप पे बैठा हूँ और एप्पी पी रहा हूँ फिज की। तो इसको पीते हैं और पीने के बाद फिर घर चलेंगे, घर में जाके खाना वाना बनाना है, तो आपको मालूम है खाना बनाएंगे और खाना बनाते बनाते फिर आपसे बातें करते हैं। तो चल इसको पीते हैं, आप भी पीजिए और फिर चलते हैं घर। चीयर्स। चीयर्स। फिर देखिए फ्रेंड चीयर्स, तो इसको पीते हैं फिर चलते हैं। तो फ्रेंड हमें उस भैया की शॉप से चलाएं और देखिए इन सहारनपुर की रोडों को, क्या गजब का मौसम हो रहा है फ्रेंड, देखिए मौसम में आनंद आ रहा है फ्रेंड, देखिए फ्रेंड क्या मौसम हो रहा है, मजा आ रही है, मन कर रहा है एक लॉन्ग ड्राइव पे चलें। आई होप आपको कल का ब्लॉग मेरा अच्छा लगा होगा, अगर ये ब्लॉग भी अच्छा लगे तो प्लीज लाइक फ्रेंड, एक लाइक और एक शेयर तो चाहिए फ्रेंड। देखिए अब हम अपने घर जाते हुए मौसम का आनंद लेते हुए, आप भी हमारे साथ मौसम का आनंद लें, बहुत अच्छा मौसम हो रहा है फ्रेंड, इतना अच्छा मौसम हो रहा है कि आनंद आ रहा है और लग रहा है कि आज बहुत तेज़ बारिश होने वाली है। तो चलिए फ्रेंड पहुंचते हैं और फिर आपसे बात करें। तो फ्रेंड मैं घर आ चुका हूँ, ये देखिए जूस और चावल लेके और दूध लेके, तो अब चलते हैं ऊपर और आज का प्लान ये है कि खाना बनाते हैं फ्रेंड, तो आप मेरे साथ खाना बनाइएगा, आज दाल चावल बनाते हैं और मस्त सा तड़का लगाते हैं और खाते हैं, देखिए मैं दाल कैसी बनाता हूँ, मस्त एक नंबर। तो चलिए फ्रेंड चलते हैं ऊपर। तो फ्रेंड घर पे आ चुके हैं और घर पे आके किचन में यह सामान रख दिया है, थोड़ी देर आराम करते हैं, थोड़ी सी चाय बनाते हैं, उसके बाद फिर दाल चावल बनाते हैं फ्रेंड और दाल चावल खाते हैं। और आप भी मेरे साथ दाल चावल बनवाइएगा, देखिए कैसा बनाता हूँ फ्रेंड, अच्छा लगे तो आगे बढ़ाइएगा, ना अच्छा लगे तो कमेंट करके बताइएगा फ्रेंड। तो चलिए हाथ पैर धोते हैं फिर उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ। वाइप के बिना फ्रेंड बिल्कुल बेकार है, इतने बर्तन थे धो के रखे हैं अभी फ्रेंड, तो प्लीज़ वाइप के बिना आदमी बेकार है, आदमी अधूरा है, इसलिए वाइफ का होना बहुत ज़रूरी है या घर में किसी लेडी का होना बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड जब तक मैं बर्तन धोता हूँ जब तक आप एक सब्सक्राइब ठोक दीजिए और एक लाइक ठोक दीजिए, ठीक है। ये देखिए इधर देखिए मेरी चाय बन रही है, देखिए चाय पीते हैं और चाय भी बर्तन धोने के बाद चाय पीते हैं, फिर उसके बाद दाल रोटी बनाते हैं, दाल चावल बनाएंगे फ्रेंड, रोटी नहीं, रोटियाँ आटा नहीं गूंथता मेरे से, कोशिश करूँगा कि गूंदने की कोशिश करूँ। तो आप में से किस कौन सा आटा गूंद लेता कौन नहीं गूंद पाता प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो जब तक मैं बर्तन धोता हूँ आप एक लाइक एक सब्सक्राइब कर दीजिए, थैंक यू फ्रेंड।
पहले दाल को अच्छे से धोते हैं, बहुत अच्छे से दाल धोते हैं। तो मैं जब तक दाल धो रहा हूँ, आप देखिए अच्छे से पहले दाल धोते हैं, फिर उसके बाद इसको चढ़ाते हैं। तो दाल धोते हैं फिर आप। तो फ्रेंड देखिए, मैंने दाल डाल दिए और इसमें 2 कटोरी पानी डाला है। और अब इसमें डालेंगे हम हल्दी और इसमें डालेंगे थोड़ा नमक, अपने इच्छा अनुसार जितना आप खाते हैं उतना नमक डालिएगा। तो अब इस दाल को पकाते हैं और इसको चढ़ाते हैं यहाँ पे। ये गैस मैंने चालू कर दी है, देखिए फ्रेंड गैस चालू हो गई है। तो जब तक दाल पकती है आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तो फ्रेंड जब तक मैं दाल पक, तो फ्रेंड ये देखिए मैंने कुकर चढ़ा दिया है और जब तक दाल पक रही है जब तक हम चावल धो लेते हैं। तो चलिए चावल धोते हैं। तो फ्रेंड देखिए मैंने चावल भी धो लिए हैं। दाल जब तक पक रही है, फिर दाल पक जाती है तो फिर मैं चावल पकाता हूँ और फिर हम लोग दोनों मिलके खाते हैं। देखिए हमारी दाल बन के तैयार हो गई है। अब इसको डालते हैं कटोरे में और फिर इसके बाद लगाते हैं इसको तड़का। और तड़का लगाने में फर्स्ट से नहीं बनाते हैं चावल। फ्रेंड भूख लगी, पूरे दिन से कुछ भी नहीं खाया फ्रेंड। तो जब तक दाल मेरी मैं पलट रहा हूँ, जब तक आप लोग सब्सक्राइब करिए। तो फ्रेंड देखिए मेरा तड़का तैयार हो रहा है, बढ़िया मस्त सा मस्त सा तड़का डालते हैं दाल में। ये देखिए दाल कितनी बढ़िया तैयार हो गई है और इधर चावल पक रहे हैं। तो जल्दी से भूख लगी फ्रेंड, जल्दी जल्दी। तो फ्रेंड मैंने इसमें तड़का लगा दिया, तड़का लगा के बंद कर दिया। देखिए क्या मस्त दाल हो गई है तड़का लगा के। फ्रेंड आनंद आएगा आज खाने में। तो चावल भी अब हमारे तैयार हो गए हैं। तो चलिए अब लगाते हैं खाना और खाते हैं खाना। फ्रेंड दाल चावल मेरे रेडी हैं, आप भी आमंत्रित हैं, प्लीज आइए हमारे साथ खाना भोजन करिए। तो हम भोजन कर रहे हैं, भोजन करने के बाद आपसे मिलते हैं और फिर इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करेंगे। तो चलिए फ्रेंड खाना खा लेते हैं, बहुत तेज भूख लगी है। और देखिए हमने कैसे बनाया, दाल कैसी बनी है, चावल कैसे बनाया, अगर अच्छा लगे तो कमेंट करके बताइए। तो फ्रेंड मैंने खाना वाना खा लिया है और थोड़ा देर टहल के भी आ चुका हूँ। और हल्की हल्की बारिश के अनुसार अंदेशा हो रहा है क्योंकि हल्की हल्की बौछारें पड़ना स्टार्ट हो गई हैं और मौसम भी बहुत ठंडा हो गया। फ्रेंड मैंने आपको शाम को दिखाया था कि कितने गाली घटा आई है। तो इस ब्लॉग को यहीं एंड करेंगे। फ्रेंड अगर ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो और आपको बहुत अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा फ्रेंड और बेल बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। तो शुभ रात्रि, आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा और कल है इंटरनेशनल योगा डे, मिलते हैं कल मॉर्निंग में फ्रेंड। वादा याद है ना आपको हमारा, मॉर्निंग में डेली मिलना है। तो इसी ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं और कल के ब्लॉग में, न्यू ब्लॉग में मिलते हैं। जय श्री श्याम, शुभ रात्रि, जय श्री श्याम प्रभु।